ठीक है जी, आप सुना ना सर कुत्ता ताइयो नंबर आप जीरो निकालने के लिए आपको मैं खाता हूँ कितना नंबर ऑफ जीरो हाँ यानी शून्य की संख्या या जीरो जीरो की संख्या संख्या ठीक है जीरो आप संख्या कैसे निकालते हैं तो मेरे प्यारे मेरे बेटी के साथ अंत लग बना रहिएगा और सब कोशिश कीजिएगा ठीक है आप है ना सर के साथ देखिए पाँच गुने रहेगा दस गुने पंद्रह गुने गुने रहेगा बीस गुने रहेगा मान लिया जाए कि पच्चीस गुने रहेगा तीस है ना और इस प्रकार से रहेगा मान लीजिए कि एक सौ बीस रहेगा एक सौ बीस रहेगा ठीक है तो कैसे कटेगा जी तो देखिए पहले हम जो संख्या रहता है शुरू में उसको से भाग देते हैं उसके बाद पाँच के गुणज रहता है तो दो से भाग देते हैं ठीक है तो देखिए पहले कितना सीखता है भाग पाँच से तो पाँच भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए पाँच से एक सौ बीस में भाग देते हैं कितना देते हैं जी पाँच से एक सौ बीस में तो देखिए एक सौ बीस में तो पाँच दो नहीं जो ठीक है दो आ गया शून्य आ गया फिर देखिए पाँच दिए भारत कितना आ गया तेरे तो बीस आ गया है ना कितना पाँच दो दस पाँच दो दस चौबीस बच्चे बीस आ चौबीस आ गया है ना मेरे तारे अब देखिए जब चौबीस आ गया चौबीस आ गया चौबीस पच्चीस दिशा से है ना तो फिर हम इसको देते हैं हम दूर से भागा कितना देंगे और जब तक देते रहेंगे तब तक ये दूर से छोटा नहीं हो जाता है देखिए अब चौबीस को हम ये दूर से छोटू नहीं बारह बारह में चौबीस है ना तो बारह में चौबीस आ गया तो फिर अब इसको बारह को हम देते हैं दूर से भागा तो आ जाएगा छः और छः को भी भाग देते हैं हम तीन दो से है ना तीन दो ना छः तीन आ गया और तीन को भी भाग देते हैं दो से तो आ जाएगा कितना दो एक हम दो एक आ जाएगा ठीक है तो एक अब छोटा हो गया होगा कि नहीं हो गया तो अब नहीं देंगे भागा तो देखो छत्तीस बारह चौबीस छत्तीस छत्तीस छः बयालीस बयालीस चार छियालीस छियालीस तो मैं समझता हूँ कह रहे ये सवाल को आप बड़े से समझ गए होंगे और किसी भी पूछने पर बेहिचक जवाब दे दीजिएगा इसमें कोई मत नहीं है हाँ तो आइए प्यारे मैं आप देता हूँ कद्दू से देखो नंबर दो में अगर नहीं सीखे हैं तो सुन लीजिए करते हैं बैठ है यानी कि अब मान लो कि आपका ये दे चार सौ ठीक है तो चार सौ पहले दस से भाग देंगे कितना से देंगे भागा तो चार सौ तो हम दिए दस से ठीक है दस से दस तो एक सौ काट दीजिए यानी चालीस हो गया पहले ठीक है आप समझ गए कि इसमें कितना गया चालीस ठीक है अब चालीस को हम दस से नहीं भाग करते हैं हम अब दूर से करेंगे कितना से करेंगे दूर से तो दूर से भाग करेंगे तो बीस आ जाएगा ठीक है तो देखो अब बीस को भाग हम फिर दूर से करेंगे दस है ना दस को भाग करते हैं दूर से कितना आएगा पाँच गुना दस ठीक है और पाँच को भाग करेंगे दूर से कितना आएगा आ जाएगा दो गुना चार दो फिर दो को भाग करेंगे आ रहे दूर से कितना आएगा ठीक है अब देखो चालीस साठ साठ और सत्तर सत्तर और पाँच पचहत्तर
75 दिन 78। मैं समझता करेगा क्या आप बड़े समझ गए होंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।